हमारे जलडेगा प्रखंड से लछड़ा जाने वाली रोड लगभग 11 किलोमीटर 3-4 साल से खराब पड़ी हुई है। इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ के आदिवासी लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उम्रदार आदमी हैं, वे टेम्पू से आना जाना करते हैं, तो एक दिन के जा कर के लौटने में उनका समूचा शरीर में दर्द हो जाता है। तो ये रोड में हम बराबर ऑटो चलते हैं, पूरा रोड खराब है, हम लोग का गाड़ी बार बार खराब हो रहा है। स्कूलिया बच्चा लोग जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि चाचा थोड़ा सा ठीक से चलाइए। स्कूलिया बच्चा लोग को भी हम लोग ले कर जाते हैं, सुबह सुबह ले कर जाते हैं, बच्चा लोग गिरने पड़ने का डर रहता है। श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार बावरी को इस रोड के विषय में पूरी तरह जानकारी है, लेकिन वे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए रहते हैं। ऐसे लगता है कि सरकार इस गंभीर दुर्घटना को देखने के लिए इंतजार कर रही है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप देखें और जानें हमारे जलडेगा प्रखंड के आदिवासी लोग किस परिस्थिति में इस रोड से आना जाना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें, हमारे सिमडेगा जिला के उपायुक्त को फोन करके इनके ऊपर दबाव बनाएं। हमारे जिला उपायुक्त का नाम है प्रवीण कुमार टोप्पो और इनका दूरभाष नंबर है 06-25-22-57-01। मैं वार्ले सुरीन झारखंड सिमडेगा से इंडिया अनहट के लिए।